आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूपी में बहराइच दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भेड़ियों के अटैक से पीड़ित जो परिवार रहे हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा ऑफिसर्स के साथ मीटिंग होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, किस तरीके से वहां पर कॉम्बिंग चल रही है, किस तरीके से ये ऑपरेशन कितना आगे बढ़ा है, क्योंकि 10 लोगों की जिंदगी भेड़िए के अटैक में खत्म हो गई है। उनके परिवार वालों का दुख दर्द बांटने के लिए सीएम योगी पहुंचेंगे। इसके अलावा 50 लोग बहराइच में घायल भी हुए हैं भेड़िए के अटैक में, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये घायलों की संख्या बढ़ भी रही है। लगातार भेड़िए के अटैक में ये इजाफा भी देखा जा रहा है। ऐसे में आज सीएम पहुंच रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी वीरेश पांडे का, उनसे जानकारी लेते हैं सीएम के मीटिंग को लेकर के। वीरेश, क्या क्या जानकारी है और क्या कंडीशन है अभी? देखिए, 3:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जो मृतक हैं उनके परिजनों से मिलेंगे, घायलों के परिजनों से मिलेंगे। एक अभिभावक के तौर पर जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलकर उनके दुख को बांटने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लगभग 1 घंटे का दौरा रहेगा और ऐसे में वहां के जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही शासन के जो लोग हैं उन्हें भी बुलाया गया है। विकास योजनाओं पर भी चर्चा होगी और लगभग 1 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री मिलकर जो भेड़िए का आतंक है लगभग 6 महीने से चल रहा है और 10 से के करीब लोग मारे गए हैं और लगभग 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं, तो ऐसे में एक भेड़िया अभी पकड़ में नहीं आया है। बाकी वन विभाग ने 5 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन क्या तैयारियाँ हैं भविष्य में ऐसी कोई घटनाएँ और ना हो, क्योंकि पूरी तरीके से जो भेड़िए का आतंक बहराइच में रहा है उससे पूरे देश में यूपी की छवि खराब हुई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना और पहुंचकर अधिकारियों को निर्देशित करना, चीज़ों को समझना और भविष्य में कोई ऐसी घटना न दोहराई जाए, ऐसा कोई आतंक न हो, ये दौरा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल वीरेश, अब देखना होगा कि आज की इस मीटिंग से क्या बुलेट पॉइंट्स निकल के आते हैं। शुक्रिया वीरेश जानकारी के लिए।